हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा सीरीज का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है वाइवा का, क्वेश्चंस आंसर का। नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में लिंक है, आप उससे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे न्यूटन्स रिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो वाइवा क्वेश्चन है लास्ट में मिल जाएगा। न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड जो थ्योरी है ये, या ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से लिंक पे जाके इसको परफॉर्म करना सीख सकते हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ सकते हैं। वो हमारे सिलेबस में थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और आज हम इसके वाइवा वॉइस क्वेश्चंस करते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ में फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की वाइवा वॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का क्या है, किस फिनोमिना पे ये वर्क करता है? तो यस, इंटरफ्रेंस पे ये वर्क करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन एक्सपेरिमेंट इज इंटरफ्रेंस फिनोमिना। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा कि इंटरफ्रेंस फिनोमिना क्या होता है, डिफाइन इंटरफ्रेंस फिनोमिना। तो यहाँ पे मैं दो डेफिनेशन दे रही हूँ, एक जनरल डेफिनेशन है इंटरफ्रेंस की और एक न्यूटन रिंग से रिलेटेड डेफिनेशन है। तो जनरल डेफिनेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन द अकाउंट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। और दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, थिन फिल्म या वैज शेप फिल्म के अकॉर्डिंग की लाइट जो है अपोजिट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और वो सुपर इम्पोज कर रही है। तो द फिनोमिना ऑफ न्यूटन रिंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ अ फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस। तो वेरिएबल थिकनेस की फिल्म होती है और उसके अपोजिट फेस से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर आती है और उनके बीच में सुपर पोजिशन होता है। तो यहाँ पे जब ये हुआ सुपर पोजिशन की बात कर रहे हैं और हम कोहरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोहरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कोहरेंट सोर्सेस, टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहरेंट इफ दे एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव ऑफ अ सेम फ्रिक्वेंसी और अ वेवलेंथ नियरली ऑफ अ सेम एम्पलीट्यूड विच हैव आइदर इन अ सेम फेज और हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। अगर टू वेव्स के बीच में कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है या वो दोनों सेम फेज में है तो उसको हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूटन रिंग। अब हम न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट करें तो क्या होती है न्यूटन रिंग। तो न्यूटन रिंग क्या होती है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स विद सेंटर स्पॉट आर कॉल्ड न्यूटन रिंग। और क्या होता है, जब व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ग्लास प्लेट तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, वेरिएबल थिकनेस की एक एयर फिल्म बन जाती है और जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है अपर सरफेस ऑफ फिल्म एंड लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म रिफ्लेक्ट होकर आती है और उनके बीच में सुपर पोजिशन होता है तो रिंग्स ऑब्जर्व होती हैं और इन रिंग्स को हम न्यूटन रिंग कहते हैं। सबसे पहले ये फिनोमिना क्योंकि न्यूटन्स ने ऑब्जर्व किया था इसलिए ये न्यूटन रिंग कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर भी बना रही हूँ। ठीक है, न्यूटन रिंग में क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है ग्लास प्लेट पे प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एयर फिल्म फॉर्म हो जाती है वेरिएबल थिकनेस की। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहाँ पे थिकनेस जीरो होती है और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं वैसे वैसे ये थिकनेस इंक्रीज होती जाती है। वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर। तो न्यूटन रिंग यहाँ पे जो हम रिंग्स कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रिंग्स दिखाई दे रही है, ये सर्कुलर क्यों है, तो इसकी भी दो डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन तो अभी सामने स्क्रीन पे आ रही है आपके और फिर नेक्स्ट स्लाइड में होगी दूसरी। द पाथ डिफरेंस अलॉन्ग अ सर्कल इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर इन दिस एक्सपेरिमेंट। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर व्हाइल द वेज शेप्ड फिल्म आर जो फ्रिंजेस है पार्लर होती हैं। तो इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस ऑफ अ एयर फिल्म लाई ऑन अ सर्किल विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ ग्लास प्लेट एज अ सेंटर, देयरफॉर फ्रिंजेस आर सर्कुलर एंड कोसेंट्रिक। इन द केस ऑफ वेज शेप्ड एयर फिल्म द लोकाई ऑफ अ पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ वेज, सो फ्रिंजेस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। तो यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर लाइट टू फॉल नॉर्मली ऑन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्यों नेसेसरी है कि लाइट जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे नॉर्मली फॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इंटरफ्रेंस हो। ठीक है, अगर नॉर्मली फॉल नहीं होगा तो इंटरफ्रेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में दोनों लाइट ट्रैवल करनी चाहिए सेम डायरेक्शन में।
व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम क्या कह रहे हैं, ब्राइट और डार्क हमें रिंग्स दिख रही हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. तो क्या होती हैं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? व्हेन टू लाइट वेव्स इंटरफेयर एट ईच अदर सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम देन दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पे लाइट सेम फेज में ट्रैवल करती है या कॉन्स्टेंट फेज के साथ ट्रैवल करती है, तो जब वो इंटरफेयर करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अपोजिट फेज में जब होती हैं लाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द पर्पज ऑफ ग्लास प्लेट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री इन दिस एक्सपेरिमेंट? अभी अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट याद हो तो ये इस तरीके से था, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट पे रखा और यहाँ पे हमने 45 डिग्री पे एक ग्लास प्लेट रखी थी और उसके इधर सोर्स रखा था, तो सोर्स से लाइट इस पे फॉल हुई थी, फिर वो यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट हुआ और यहाँ से जब नीचे और अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर गई तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप से आईपीस से ऑब्जर्व कर लिया. तो ये जो ग्लास प्लेट यहाँ पे यूज़ किया है ये 45 डिग्री पे रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो लाइट फॉल हो रही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे लोअर सरफेस और अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो, तो इसलिए हम इसको 45 डिग्री पे रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द सेंटर ऑफ फ्रिंज इज डार्क? बिकॉज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन लेंस बोथ आर इन कॉन्टेक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस द सेंटर रिंग इज डार्क. तो क्या होता है, जिस पॉइंट पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट से टच करता है उस पॉइंट पे थिकनेस जीरो हो जाती है और थिकनेस जीरो रखने पे जब हम इंटरफेरेंस की कंडीशन में ये जीरो रखते हैं तो मिनिमा की कंडीशन आती है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू मिनिमा की कंडीशन होती है, इसलिए सेंटर स्पॉट रिफ्लेक्टेड के केस में हमेशा डार्क मिलता है. ट्रांसमिटेड के केस में आपको पता ही है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो अगर रिफ्लेक्टेड में हमें डार्क मिल रहा है तो ट्रांसमिटेड के केस में हमें मैक्सिमा मिलेगा सेंटर स्पॉट. विच लाइट डू यू यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी लाइट यूज होती है? तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, और कौन सा करते हैं? नॉर्मली जो हम यूज करते हैं लैब में वो सोडियम लैम्प यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी यूज वाइट लाइट इन दिस एक्सपेरिमेंट? अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, यानी कि सोडियम लैम्प की जगह, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो पता है व्हाइट लाइट क्या है, कलर कॉम्बिनेशन है और कलर्स का, सेवन कलर्स का, तो बाकी कलर्स की भी रिंग्स दिखेंगी. अभी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले देते तो सिर्फ ब्राइट और हमें डार्क दिखाई दे रहा था, जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो बाकी कलर्स के भी रिंग्स दिखाई देंगे. तो शुरू के ऑर्डर्स में हमें कुछ कलर्स दिखाई देंगे, बाद के ऑर्डर्स में क्या होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा बाकी कलर्स का एक दूसरे से ओवरलैप करने लगेगा और हमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा, बट इनिशियल ऑर्डर्स में हमें रिंग्स दिखाई देंगी, कलर्स फ्रिंजेस दिखाई देंगी, रिंग्स दिखाई देंगी. और इफ वी रिप्लेस येलो लाइट विद ग्रीन लाइट, इज देयर एनी डिफरेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग? तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिंग्स फॉर्म होंगी क्योंकि जो सोडियम लाइट है वो भी मोनोक्रोमेटिक है और हम सोडियम लाइट को ग्रीन लाइट से रिप्लेस कर रहे हैं वो भी मोनोक्रोमेटिक है, तो फॉर्मेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हाँ, अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जो डायमीटर का एक्सप्रेशन है उसमें लामडा भी आता है और अंडर रूट लैम्डा की टर्म्स में होता है, तो डी जो है प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट लैम्डा के. बाकी मैं टर्म्स नहीं लिख रही हूँ, आपको याद ही है, नहीं तो चाहेंगे तो भी लिख भी सकती हूँ, ठीक है, जरूरत है तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 एन लैम्डा आर अपॉन म्यू, ये सब अंडर रूट में है, ठीक है, ये एन है, तो ये डार्क रिंग के लिए लिखा है मैंने, ऐसे ब्राइट के लिए है. तो क्या है कि लैम्डा के अंडर रूट पे डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे डायमीटर भी चेंज होगा. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट द ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर ऑब्टेन यूजिंग सोडियम येलो लाइट, इफ एंटायर अरेंजमेंट इज डिप इन टू अ वाटर देन द डायमीटर ऑफ रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा?
देखिए, इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर न्यूटन स्ट्रिंग अरेंजमेंट में अभी हम बोल रहे थे, ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास प्लेट है, अभी इनके बीच में ये एयर फिल्म है यहाँ पे, ठीक है। अब इस एयर फिल्म की जगह यहाँ पर हमने वाटर रखा और वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर से रिप्लेस कर दी इस एयर फिल्म को, तो क्या फर्क पड़ेगा डायमीटर ऑफ रिंग्स पे, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, आप दोनों का ही आंसर सेम है कि जब हम इस अरेंजमेंट को वाटर में डिप करेंगे तो डायमीटर ऑफ रिंग्स जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, अभी पीछे मैंने एक्सप्रेशन भी लिखा था, यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि जो डायमीटर है डी एन वो अंडर रूट 4n λr/μ के इक्वल होता है। तो जैसे जैसे म्यू चेंज होगा वैसे वैसे डायमीटर में फर्क पड़ेगा। तो हमने जब वाटर या कोई और लिक्विड इंट्रोड्यूस किया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा और ये इंक्रीज होगा तो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप इन टू अ वाटर देन द डायमीटर ऑफ रिंग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूटन स्ट्रिंग अरेंजमेंट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर ऑब्टेन यूजिंग सोडियम येलो लाइट, व्हाट हैपन इफ टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट ऑन विच लेंस इज कैप्ड इज हाईली सिल्वर्ड। अब हमने कहा हम नीचे जो है सिंपल ग्लास प्लेट यूज कर रहे हैं, उस ग्लास प्लेट की जगह अब हम सिल्वर्ड यूज कर लें, प्लेट यानी मिरर जैसा यूज कर लें, तो क्या हमें रिंग्स ऑब्जर्व होंगी, नहीं होंगी, ठीक है, फ्रिंजेस डिसअपेयर हो जाएगी क्योंकि सारी लाइट जो है वहां से रिफ्लेक्ट होने लगेगी, अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो रिंग्स हमें इंटरफ्रेंस पाथ डिफरेंस की वजह से मिल रही थी वो डिसअपेयर हो जाएंगी। और भी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा कि अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसको चेंज करूँ, मतलब ग्लास प्लेट रखा है उसके ऊपर जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा उसको धीरे धीरे अप करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे जैसे हम उसको उठाएंगे इनिशियल लेवल पे हमें रिंग्स दिखाई देंगी, सेंटर में पहले हमें डार्क दिखाई दे रहा था तो उसकी जगह हमें चेंज होता हुआ दिखेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी थिकनेस है, बट थोड़ा लिफ्टअप करने के बाद जो है डिसअपेयर्स हो जाएंगे रिंग्स क्योंकि वहाँ थिन फिल्म नहीं बन पाएगी, वो थिक फिल्म हो जाएगी और थिक फिल्म की जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो पूरा एक सा ही दिखता है तो फिर हमें रिंग्स नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस की वेरिएशन कर सकते हैं कि अगर हम ये रिप्लेसमेंट करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड ऑलरेडी एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यूटन रिंग्स से रिलेटेड, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो उसका थ्योरी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा लास्ट स्लाइड था, इसको हम एंड करते हैं और प्लीज़ इसको शेयर करिए, अपने तक नहीं रखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। हैव अ गुड डे।